बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल मैथ एजुकेटर्स ऑफिशियल। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज के कुछ एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन की बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, देर आर 20 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स इन अ क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द बॉयज़ इन अ क्लास एंड फाइंड द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि जो आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ हैं आपके पास 20 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स। ठीक है, ओवरऑल आपके पास जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगा 38 स्टूडेंट्स। ठीक है, 38 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। ठीक है, अब क्लास में से पहले बॉयज़ की मालूम कर लें, तो बॉयज़ ओवरऑल स्टूडेंट हैं 38, इसमें से बॉयज़ हैं 20, इनकी परसेंटेज मालूम करने का ये तरीक़ेकार है, वही तरीका रहेगा। अब आपने इसको देखा कि कैंसिल किससे हो रहा है, यानी 219 ज़ा 38 और 210 ज़ा 20। ठीक है, अब ये कैंसिल, इसे भी नहीं कर सकता, यहाँ भी इसे भी नहीं कर सकता, तो ऊपर वाला नंबर कितना हो जाएगा, 1000 ज़ा 1000 और अपॉन में 19। अच्छा, जब इसको आप डिवाइड कर लेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो बनेगा 52 होल 12 अपॉन 19%। यही इसका आंसर है। अब इसी तरह हम गर्ल्स की परसेंटेज निकाल लेंगे, वो किस तरह निकलेगी कि आपके पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 38 हैं, इसमें से जो गर्ल्स की तादाद है वो 18 है। परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराया आपने, ना वही तरीके का रहे। अब देखें, 2 9 ज़ा 18 और 2 19 ज़ा 38। ठीक है, तो ये अब कैंसिल नहीं हो सकता, ना ये इसे कैंसिल कर सकता, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 × 100 900 और होल अपॉन 19। जब आप इसे परसेंटेज में लिखेंगे तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा जनाब 47 होल 7 अपॉन 19%। यही इसका आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। दूसरे लेक्चर तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अनटिल द वेरी नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।